कितनी बार कहा है कि मुझे पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी। राम जादी, तुम लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है, कभी 10 हजार, कभी 5 हजार और कभी 20 हजार। मैं भिखारी हूँ क्या? मत मारूं तुझे, मत मारूं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। मैं बताता हूँ, क्यों छोड़ दूं तुझे? पर दफा हो गए यहां से, निकल। साली ऑर्डर तो ऐसे कर रही है जैसे यहां इसके मां बाप की कमाई आ रही हो। हे भगवान, मैं कब तक इससे मार खाती रहूंगी? इतने पैसे मैं कहां से लेके आऊं? इससे अच्छा है मुझे जान से ही मार दे, कम से कम मेरा पीछा तो छुटेगा। मकान नंबर 106 यही है? हाँ सर, यही है। पता नहीं ये 5 लाख कब लेकर आएगी, दिमाग खराब कर रखा इसने तो मेरा। अरे इस घर का मालिक तू है? जी सर, मैं हूँ इस घर का मालिक। और 9812277 मोबाइल नंबर किसका है? ये नंबर तो हमारे घर का, लेकिन सर। अरे मेरे पास फोन आया था थाने में, इसका नंबर है ये? मेरी धर्मपत्नी का है। फोन कहाँ है? फोन है सर, ये है फोन। अच्छा, वो खुद कहाँ है आपकी पत्नी? सर वो तो सर पड़ोस में गई है, घर पे नहीं है वो। ये बटन बटन कैसे खोल रखे हैं? और हाथ में क्या है? सर ये तो मैं अभी जाने वाला था, कहीं पहनने आए इसको। अच्छा, अंदर कौन है? कोई नहीं है सर। अरे दरवाजा खोल। सर कोई नहीं। तो ये काम तेरा है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो
अच्छा तो तेरी वाइफ पड़ोस में गई हुई है? सर पड़ोस में थी, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये कब आ गई। अच्छा कानून से झूठ? नहीं सर मैंने झूठ नहीं बोला। अरे तेरी थाने में इतनी डंडा परेड करूंगा ना, ये झूठ बोलने सारे भूल जाएगा तू, समझा? सॉरी सर, आप मुझे क्यों थाने में लेके जाओगे और तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? अरे तेरे को सारा पता है, तेरे को थाने में क्यों ले जा रहा हूँ? इसका चेहरा देख, बता बताओ मैडम। बताओ दीदी बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ये मुझे दहेज के लिए बहुत मारते पीटते हैं और मुझे बोलते हैं कि 5 लाख रुपए लेके आओ अपने मायके से। मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं, हर रोज पीटते हैं मेरे को। और सबूत चाहिए तेरे पास? सर इसमें वीडियो है, मैंने बनाई है खुद। निकाल वीडियो। और कितने सबूत चाहिए समझा? अरे और तो ये देख, ये क्या है? अब भी सबूत की जरूरत है क्या तेरे को? अब तेरे को और सबूत चाहिए? चल मेरे साथ थाने। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। अरे अब सुनने कुछ बाकी है, अब तेरा फैसला तो कोर्ट में होगा, चल। थैंक यू भैया, अगर आज तुम नहीं होते ना तो शायद मैं पूरी जिंदगी भर ऐसे मार खाती रहती। नहीं दीदी ऐसा मत बोलो, आपको ना रोज 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 मारता है, मेरे से देखा नहीं गया और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। ये लो आपका फोन। ठीक है दीदी। तो दर्शकों आपने अभी हमारा वीडियो देखा, तो इस वीडियो का यही संदेश है कि दहेज के लिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जिसने अपनी बेटी दे दी समझो सब कुछ दे दिया, और किसी को टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार।